हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु की महादशा में राहु का अंतर्दशा का फल बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यथारूप इसलिए लिख रखा है कि जो शास्त्रों में लिखा मैं उसके अलावा एक शब्द भी मन से नहीं बता रहा हूँ। ये मेरे वीडियो की और मेरे चैनल की खास बात, मैं लफ्फेबाजी बिल्कुल नहीं करता। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है और गुरु में राहु का अंतर होता है 2 वर्ष 4 माह 24 दिन, काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा से करता है। मेरा एक महादशा का वीडियो है, आप वो यदि देख लेंगे राहु की महादशा, तो उसमें बहुत सारे काम की बातें हैं जो इस वीडियो से भी रिलेटेड है, आपके लिए उपयोगी होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो वीडियो आप जरूर देखें। गुरु में राहु यदि चलेगा तो 2 वर्ष 4 माह 24 दिन का समय काफ़ी लंबा समय है। इसके विषय में कि गुरु की महादशा में राहु के बारे में बताऊँ, मैं ये बता दूं, ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा या निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य हैं, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच है या उच्च का है, शत्रु का है या मित्र राशि है, या उस पर किस भाव की दृष्टि पड़ रही है, ग्रह अस्त है, ग्रह बाल है, वृद्ध है, उसकी क्या कलाएं हैं, विकला है, कैसा क्या है, खल है, विकल है, इस आधार पर ग्रह फल देते हैं। ठीक है, यही कारण है कि ज्योतिषी जो को प्रिडिक्शन दिखाना, फिर उसका सर्वाष्टक भी देखा जाता है। यही कारण है कि ज्योतिषियों को फलादेश करना अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है। भारत में ज्योति कुंडलियां भी गलत होती है, तो ऐसी स्थिति में फलादेश बहुत कठिन हो जाते हैं। वर्तमान में भारत में 20,000 में मात्र 2 ज्योतिषी ही सही होंगे, बाकी सब झूठ बोलने वाले हैं। फलादेश सबसे फला किसी के बारे में फलित करना, फलादेश करना सबसे कठिन काम में से एक है। और ये विद्या जो है ज्योतिष की विद्या, इसके विषय में भी कहा गया है कि कलयुग में कोई व्यक्ति सफल फलादेश नहीं कर पाएगा। तो सब किंतु परंतु करने वाले लोग हैं, मनोविज्ञान है, मनादशा है, आपसे ही थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेगा और आपके बारे में बता देगा। सच बिल्कुल नहीं बता सकता, पूरी गप्पी है। आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया और आपके बारे में फलित बता दिया, तो आप तो दुनिया के सबसे भाग्यवान व्यक्ति, जानो कि आपको उसने भारत में सच सच बता दिया है। गुरु में राहु का अंतर्दशा चलेगा तो गुरु आपकी कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में बैठा होगा तो अच्छे फल देगा। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो अच्छे फल देगा। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है जो सभी प्रकार की महादशाओं पे एप्लीकेबल है। ओके, गुरु की महादशा में गुरु के कर्क तो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो मैंने गुरु की अंतर्दशा वाले इसमें और गुरु में राहु में गुरु के विषय में की एक वीडियो बनाया हूँ। दो वीडियो है, एक तो गुरु में गुरु और दूसरा राहु में गुरु। ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, तो इसका कर्कत तो वहाँ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों को यहाँ रिपीट करना उचित नहीं है। हाँ, मैं राहु का कर्कत को जरूर यहाँ रिपीट करूँगा। राहु जो है शनि के जैसे फल देने वाला ग्रह माना जाता है। कार्य को मंद गति से करना, फूहड़पन, हिचकी, उन्माद, अदृष्ट भय, कुष्ठ, शक्तिहीनता, अर्श रोग, दीर्घकालिक व्रण, घाव, छाले, असाध्य रोग, क्रॉनिक बीमारी, विषाक्तता, जहर, सर्पदंश, पैरों के रोग राहु को इंगित करता है। चंद्रमा के साथ मिलकर राहु विभिन्न प्रकार के भय भी देता है। ये बिल्कुल अपने मन को खट्टा कर देता है ना, बहुत भय देने वाला ग्रह है। और अचानक घटनाओं को घटित होने के लिए राहु जिम्मेदार है। शनि के सदृश होने के कारण यह रोगों की दीर्घकालिकता, क्रॉनिक रोगों को देता है और असाध्य, सुधरते नहीं, ऐसे रोग भी दे देता है। ठीक है, तो ये तो राहु के कारकत्व है और दूसरे जनरल कारकत्व तो इसके हैं। ये तो अभी ये जो मैंने बताया पहले, ये स्पेशली मेडिकल के क्षेत्र में थे और ये जनरल है, जैसे हड्डियाँ, उदर रोग, घातक, वृद्धावस्था, जैसे राहु के प्रभाव से आदमी बूढ़ा जैसे दिखने लगता है, भीषण उदर कष्ट, श्वास प्रश्वास, मिथ्यावादी, अधोदृष्टि, भ्रम की हैरानी, अत्यंत साहस, दुष्टता, छाता, वाहन, 4 जातियों से बाहर की जाति। जब राहु का प्रभाव पड़ता था आदमी परजात की महिला शादी कर लेता है, इंटरकास्ट शादी कर लेता है, नाना पशुओं संबंधित। राहु अच्छे रिजल्ट भी देता है, विविध राज्य प्राप्ति का भी संकेत है। कुतुर्क, रूखी वाणी, पापी स्त्री, अधार्मिक व्यक्ति या शूद्र, जुआ खेलना, सूर्यास्त के समय बलवान, दूसरे देश में जाकर है ना, दूसरे देश, स्त्री गमन, दक्षिणाभिमुख, विशाल वन, सर्पवात, कफ, नागलोक यात्रा, आयु वायु, उर्दू लेखन इत्यादि। ठीक है, तो ये तो राहु के कारकत्व है। अब आगे मैं बताना चाहूंगा, देखो आपकी यदि गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही, तो थ्योरी नंबर 1 क्या सिद्धांत है, गुरु की दशा में राहु का अंतर हो और राहु यदि
सर्वोच्च अच्छी राशि में हो, स्व राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्रपति से या शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, तो योग क्रिया में प्रेम, आरंभ में 5 मास पर्यंत धन धान की वृद्धि, देश या ग्राम का आधिपत्य, विजाति राजा से भेंट, सेनापतित्व, घर में कल्याण, दूर देश की यात्रा हो सकता है, विदेश जाने का दौर मिल पड़ जाए यदि अच्छा है तो आपका, सेतु स्नान पुण्य धर्म आदि, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बात कही है। ठीक है, अब होना कैसे चाहिए आपकी कुंडली में, ये मैं यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से बताया हूँ। और यहाँ पे आपको ऐसे में जब वो कह रहा है कि केंद्रपति से, केंद्रपति कहलाएगा यहाँ, सॉरी लग्न से केंद्र में है बोल रहा है, तो यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में बताया हूँ कि यदि राहु तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ से केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तब ये मैंने राहु को मैंने केंद्र में बैठा रखा है और यहाँ राहु को त्रिकोण में बैठा रखा है। और यदि राहु गुरु का जो मुख्य मुख्य आपकी दशा का जो मेन दशापति है वो गुरु कहलाए, गुरु से भी यदि अच्छे प्लेसमेंट बैठा है तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट देगा, इसमें कोई भय और डर की बात नहीं है, ये तो बहुत पॉजिटिव थ्योरी है। यदि दशापति से 8-12 में पाप से युक्त हो तो चोर और सर्प, राजा का भय, व्रण, घाव, गृह कार्य में हानि, सोदर और दया से विरोध, मतलब भाइयों से विरोध है ना, दुख स्वप्न दर्शन, अकारण कलह, रोग भय देता है। यदि गुरु आपका गुरु से, यदि दशापति मतलब गुरु, गुरु से यदि आपका राहु 6ठे या 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा है, ये तुला लग्न कुंडली उदाहरण से बता रहा हूँ मैं, तो गुरु से ये आपका राहु, या लग्न से भी हो सकता है कि आपका राहु 8वें और 6ठे भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, इसका भी उपाय है, भय की जरूरत, टेंशन नहीं है। ठीक है, यदि राहु, तीसरा सिद्धांत, यदि राहु द्वितीय में सप्तम भाव में राहु हो तो, भाव में राहु हो तो शरीर में कष्ट होता, उसके दोष के शांति अर्थ मृत्युंजय का जप, छागदान और करें तो राहु की प्रसन्नता में सब सुख की प्राप्ति होती। छाग मतलब बकरा होता है, मेरे को मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन छाग मैंने देखा हूँ डिक्शनरी में भी नहीं मिला कि छाग, और व्रस तो व्रस का मतलब भैंस, ये तो मालूम होगा, बैल मालूम होगा, ये छाग मतलब बकरा है। ठीक है, अब यदि आपकी कुंडली में देखिए राहु यदि दूसरे स्थान पे बैठा हो और 7वें स्थान पे बैठा हो तो क्या कहा जा रहा है कि राहु बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, इसके इसके शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, आप तो जो वीडियो आप देखे इसलिए रहे कि आप उसका कोई रिजल्ट मिले देखने से। ठीक है, ज्योतिष सीखने वाले तो बहुत कम ही वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वो देखने के इससे फायदा क्या होगा, आपका उपाय क्या है, उपाय है छागदान। तो भैया हम क्यों बकरा के चक्कर में पड़े, यदि कोई आदमी ब्राह्मण आदमी क्यों हम बकरा, कहाँ से बकरा खोजे और दान करेगा, ये हो सकता है कि ज्योतिष राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई होगी, तभी तो बोलता हमारा कि शिव की सोने की मूर्ति दान करना, गाय दान करना, भैंस दान करना, तो ये हो सकता है राजा महाराजाओं की ज्योतिष, लेकिन तो हम अब आप तो मिडिल क्लास का आदमी ज्योतिष से वास्ता रखता है। ठीक है, इसके उपाय मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमको बकरा दान नहीं करना, जिसको जिस जाता को करना करो भाई, मैंने सिद्धांत बता दिया। अब आगे नेक्स्ट है, तो ऋषि पाराशरराम साहब ने और क्या उपाय बताए शांति के, देखिए आपकी की सफलता आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर है, दुनिया का कोई भी ज्योतिषी या कोई भी टोटके या नगीने जैसे पुखराज हीरे मोती आपको सफल नहीं करेंगे, आपकी लगन मेहनत और कर्मठता और बुद्धि से ही सफलता मिलेगी। कृपया आपसे निवेदन है, भाग्यवादी ना बने, कर्मशील बने, ज्योतिष की अपनी सीमाएं हैं, यदि कोई जातक स्त्रोत पाठ या मंत्र जाप के बाद भी कष्ट में है तो उसे प्रारब्ध मानकर चुपचाप सहन करना ही बुद्धिमानी होगा, ये की मंत्र है, ये मैंने जो बोला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूँ, मेरा उद्देश्य लोगों को लूटपाट से बचाना है। देखो शुद्ध नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति से, यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है केवल, राम का ले, श्याम का ले, काली का ले, दुर्गा का ले, शिव का ले, कोई मंत्र पढ़े, ठीक है, या कोई भी हनुमान चालीसा पढ़े, दुर्गा सप्तशती पढ़े, विष्णु सहस्रनाम पढ़े, शिव सहस्रनाम पढ़े, नवग्रह स्त्रोतम पाठ करे, किसी स्तर पे वो भगवान का नाम लेता है तो उसके मातृ ऋण, पितृण, देव ऋण, तीर्थ ऋण, कर्म इत्यादि जितने ऋण से वो है उऋण हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में लिखा है और भागवत में भी ऐसे श्लोक हैं, ये ईश्वर भक्ति से सारे ग्रहों की शांति होती है, कितना सरल उपाय मैं आपको बता दिया हूँ। आजकल जो ज्योतिषी लोग हैं वो ब्राह्मण पोंगा पंडित लोग हैं, वो आपको पितृदोष के नाम पे डरा रहे हैं, वो आपको काल सर्प योग के नाम पे डरा रहे हैं, वो आपको शनि के नाम पे डरा रहे हैं, वो आपको मातृदोष के नाम पे डरा रहे हैं, वो पुत्र और पता नहीं कितने कितने ऋण, उन्होंने नई नई चीज़ें खोज रखी है आजकल, वैसे लूटने के बहुत तरीके अपनाए हैं।
आपको आपको हिप्नोटिज्म कर लेंगे, लूट डालेंगे। तो मैंने ये सरल आपको उपाय बताए, दान दान भाई केवल बड़े लोगों के लिए है। गरीब व्यक्ति बेचारा जो मजदूरी कर रहा है वो दान ना करे। जिसकी 15-20 हज़ार की सैलरी में, तो उसको भी दान के लिए मना करता हूँ। 15-20 हज़ार होता क्या है, क्यों दान करेगा भाई? आप तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, महामृत्युंजय जप का मंत्र का, ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला, या ओम नमः शिवाय वाला, या ओम घृणी शूर आदित्यम करे। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करना चाहिए। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, हेल्थ के लिए सूर्य का बहुत महत्व है ज्योतिष में, ठीक है। गुरु प्रदत्त कोई भी मंत्र चलेगा, स्वाध्याय जैसे धर्मशास्त्र पठन पाठन, रामायण गीता भागवत पाठ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड, और नवग्रह स्रोत, राम रक्षा स्रोत, नवग्रह स्रोत है ना, ये भी बड़े विकल्प है। सूर्य हृदय स्रोत, इनका पाठ करें। आपको अच्छा इतने सारे तो आप नहीं कर सकते, कोई एक करें, और बिल्कुल एक बार करें। आपको इतने हेक्टिक शेड्यूल है, आप करना करें, हम जिसको फुर्सत है भाई करें, ठीक है। इनमें से कोई भी एक जाप पाठ करें। प्रतियोगिता वाले छात्र परेशान ना हो, वो अपना पढ़ाई में ध्यान दे। शनि के चक्कर में, मंगल के चक्कर में, ज्योतिष चक्कर में फेल होना तय है तुम्हारा। दुनिया का कोई भी ग्रह तुमको पास नहीं करा सकता, तुम सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से पास हो गए। इनके चक्कर में रहे तो तुम्हारी फेल होना तय है, 100 जान लो। गर्भवती माताएं, किशोरी बालिकाएं, आप ये ज्योतिष के चक्कर में ना पड़े, अपना बढ़िया खाए पिए चंगा करें। गर्भवती माताओं को बहुत पौष्टिक तत्व से भरपूर खाना होता है, किशोरी बालिकाओं को भी, जो एडल्ट गर्ल्स हैं उनको खाना बहुत अच्छा है। वो व्रत ना रहे, भूखे रहोगे तो आपका हीमोग्लोबिन हो जाओगे, एनीमिक हो जाओगे, मारे जाओगे। सही सलाह दे रहा हूँ। आत्मबल को मजबूत करना ही होगा, तभी आप लूटपाट से बच सकते हैं। तो लोगों को हिंदुस्तान में आपको लूट डालेगा। शनि काल सर्प योग के नाम पे आपको इतना लूटपाट है। शनि के साढ़े साथी के अलावा ढैया के में भी डराते हैं। तो ऐसे तो भारत में 50 करोड़ लोग हमेशा या तो शनि से शनि की साढ़े साथी से प्रभावित है, या तो ढैया से प्रभावित है, तो काल सर्प योग से प्रभावित है। कुल मिला के लूट है। आपको शांति उपाय मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क और सस्ते सरल। माला जाप का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्व है। यदि आप माला जाप, एक माला जाप कर लेते हो, तो आपके सारे ग्रह की शांति हो जाएगी और सारे कष्ट दूर होंगे। एक माला में 108 माला में 108 गुरिया होते हैं, और 108 का मैं महत्व बताना चाहता हूँ कि माला के गुरिया में एक एक से 108 माला जो होते हैं वो क्यों 108 होते हैं। देखिए ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 108 इसका योग हुआ। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण होते हैं। इन दोनों का गुणा करने पे 108 होता है। 108 उपनिषद होते हैं, 108 शक्तिपीठ होती है, और पता नहीं क्या क्या। तो यदि कोई शुद्ध मंत्र से शुद्ध मन से यदि ये माला, तुलसी की बेल की माला, या मोती की माला, या रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, इस माला में यदि वो माला जाप एक माला भी कर लेता शुद्ध मन से, तो उसकी ग्रह शांति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका प्रारब्ध जान के थोड़ी बहुत तकलीफ वो सह सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही सटीक उपाय है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।